हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं एस के चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज अपन पढ़ने वाले हैं केवल प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है उसके गुणों के बारे में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, फिर 2-3 वीडियो में ये धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। पिछले वीडियो में अपन ने सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। सभी गुणों, सभी यौगिकों के, सभी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका सबका एक साथ अध्ययन किया था। आज अपन केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण पढ़ने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम तीन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, इनकी त्रिज्या, आयनन ऊर्जा और धात्विक प्रकृति। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। सबसे पहली बात, त्रिज्या कहते किसे? किसी परमाणु के नाभिक से लेकर के, ये जैसे कोई परमाणु है, नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष तक का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वहां उन दोनों के जो बीच की दूरी होती है, नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। अगर परमाणु है तो परमाणु त्रिज्या बोल देंगे, और अगर वो आयन है कोई तो उसको बोल देंगे अपन आयनिक त्रिज्या। अब बात करते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनके बारे में। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? नॉर्मली अगर अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो बाएं से दाएं दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है उसमें हमेशा कमी होती है, और परमाणु त्रिज्या में कमी होने का कारण होता है प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि, जेड इफेक्टिव में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिक के आवेश में बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिक के आवेश क्या करता है, और ज्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को अंदर की ओर आकर्षित कर लेता है। ये जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है अपने पास में, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है, ये नाभिक आवेश, ये बढ़ता है, और ये बढ़ने के कारण ये क्या करता है, बाह्यतम कक्षा को ज्यादा प्रबलता से अंदर की ओर आकर्षित करता है और आकार में कमी हो जाती है। ये तो होता है नॉर्मल आवर्त सारणी में। यहां पर क्या होता है, यहां पर बाएं से दाएं जाने पर शुरू में तो आकार में कमी ही होती है, शुरू में स्कैंडियम से लेकर के बीच तक, लेकिन उसके बाद में आकार में वापस वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक तत्वों की साइज लगभग बराबर ही होती है, कमी होती है तो वो भी आंशिक होगी और वृद्धि भी आंशिक, यानी आंशिक त्रिज्या में कमी होगी और आंशिक ही वृद्धि होगी, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। कंप्लीट प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसके तत्वों की साइज यानी उनकी त्रिज्या लगभग समान ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी कमी और वृद्धि क्यों हुई? आंशिक कमी का कारण तो यही है प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि, लेकिन वृद्धि क्यों होती है इसका देखिए कारण यह है कि जो डी ब्लॉक तत्व है उनमें इलेक्ट्रॉन्स कहां भरे जाते हैं, बाह्यतम कक्षा में नहीं बढ़ते। नॉर्मली क्या होता है आवर्त सारणी में, जैसे आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ते हैं, तो जैसे आप एक वर्ग से दूसरे वर्ग में गए तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जैसे अपन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, आप बाएं से दाएं जाएंगे तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जाता, फिर फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन जाता, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो बाहर वाली कक्षा में जुड़ते जाते हैं। लेकिन डी ब्लॉक तत्वों में ऐसा नहीं होता है। विन्यास देखो 3D 4S, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो में आप जाकर के देखिए कि अपन जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे वो यहां पर बढ़ रहे थे, स्कैंडियम का विन्यास ये था, फिर टाइटेनियम में यहां पर अपन ने कर दिया 3D2, फिर 3D3, इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे, यानी बाह्यतम कक्षा जो फोर्थ कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन ने भर के अपन थर्ड कक्षा में भर रहे, इस अंदर वाली थर्ड कक्षा में भर रहे हैं, N-1 कक्षा में, N तो ये रहेगी बाहर वाली, इसमें नहीं भर रहे हैं बाह्यतम, N-1 इसको उपांत्य कक्षा बोलते हैं, उपांत्य कोष या उपांत्य कक्षा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उपांत्य कोष में भरे जाते हैं, और उपांत्य कोष में भरे जाने के कारण परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा यहां पर, परिरक्षण प्रभाव। देखिए ये क्या होता है, जैसे ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये आंतरिक कक्षा में भरेगे, तो आंतरिक कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेंगे, और इसी प्रभाव को कहते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। इसके कारण साइज में वापस वृद्धि होती है। तो ये है डी ब्लॉक तत्वों की त्रिज्या, शुरू में प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्या में कमी हो गई, लेकिन बाद में परिरक्षण, अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, अंदर बढ़ते बढ़ते शुरू में तो देखिए 1 से स्टार्ट किया आपने, 3D1 है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो परिरक्षण प्रभाव चालू हो जाएगा,
और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कक्षा को वापस बाहर की ओर धकेलने लग जाएंगे और परिरक्षण प्रभाव के कारण इनकी त्रिज्या वापस बढ़ने लग जाएगी। तो शुरू में आंशिक कमी होती है, बाद में होती है आंशिक वृद्धि। और किसी भी धनायन की त्रिज्या, जैसे एक तो है स्कैंडियम और एक है अपने पास में स्कैंडियम का धनायन, तो ध्यान रखिए धनायन की त्रिज्या होती है वो उदासीन या जनक परमाणु से हमेशा छोटी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कम होने के कारण जो त्रिज्या है वो हमेशा कम होती है। तो ये तो था आज का अपना पहला गुण, परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या। उसके बाद में अपन बात करते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी होती है ये त्रिज्या पे ही डिपेंड करती है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी, त्रिज्या घटेगी तो आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। और चूंकि यहां पर त्रिज्या में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान है, इसलिए आयनन एंथैल्पी के मान भी यहां से यहां तक लगभग समान ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का आयनन एंथैल्पी में डिफरेंट होता है, इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि त्रिज्या में भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आयनन एंथैल्पी में आपको केवल 2 अपवाद हैं, वो ध्यान में रखना। किसी भी तत्व की प्रथम आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान नॉर्मली ज्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन क्रोमियम और कॉपर इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा होता है। इनकी सेकेंड आयनन जो एंथैल्पी है उसका मान उच्च होता है। और ये पूछा जाता है कई बार कि क्रोमियम या कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है, ये अपने को पता चलेगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। क्रोमियम का विन्यास होता है 3d5 4s1 और कॉपर का होता है 3d10 4s1। अब द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं इनमें से, ये लीजिए एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। क्रोमियम का अर्धपूरित स्थायी विन्यास है और कॉपर का पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का त्याग सरलतापूर्वक नहीं करेंगे और इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है, उच्च होता है। ये है आज का दूसरा टॉपिक आयनन एंथैल्पी। और अब देखते हैं तीसरा टॉपिक धात्विक प्रकृति। जो डी ब्लॉक में प्रथम संक्रमण श्रेणी है धात्विक प्रकृति, इनमें प्रबल स्ट्रॉन्ग धातुएं होती हैं, सारी धात्विक बंध इनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, प्रबल धात्विक बंध। और प्रबल धात्विक बॉन्ड के कारण भाई किसी तत्व की अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होंगे, वो कठोर होगा। तो प्रबल धात्विक बंध के कारण ये सभी कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो उच्च होते हैं। अब इनमें प्रबल धात्विक बंध पाए जाने का क्या कारण है? सबसे पहली बात, इनमें बाह्यतम कक्षा होती है ns, इसके साथ साथ n-1d कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं। यह पिछले वीडियो में अपन ने ऑक्सीकरण संख्या में भी चर्चा की थी कि बाह्यतम कक्षा के साथ साथ अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। तो यहां पर आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का कारण यह होता है कि इनमें बाह्यतम कक्षा के साथ साथ उपांत्य कोष यानी n-1d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं। और n-1d में केवल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भाग लेते हैं, यानी जिस धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका धात्विक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप स्टार्ट से चलेंगे तो स्कैंडियम से लेकर के और क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है 3d5 के बाद में, 3d6 होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मित होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वापस कम होगी। यानी शुरू में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धात्विक प्रकृति भी बढ़ेगी, बाद में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वापस कम हो जाएगी तो इनकी धात्विक प्रकृति भी वापस कम हो जाती है। ये थे अपने आज का जो टॉपिक था उसके तीनों पॉइंट्स, परमाणु आयनिक त्रिज्या,
आयनन ऊर्जा और धात्विक प्रकृति। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट वीडियो में केवल एक ही करेक्टर, एक ही टॉपिक के बारे में चर्चा कर पाएंगे अपन, ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा अपने को और ज्यादा डिटेल में डीपली पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इनका परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से ये शो करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।